हम आल पर्पजस फ्लावर और शुगर की क्वांटिटी को भी बढ़ाते जाएंगे जैसे कि अगर आप दो अंडे लेंगे तो 50 ग्राम शुगर और 50 ग्राम आप मैदा लेंगे यहाँ पे बनाने जा रही हूँ छः अंडों के हिसाब से अपना स्पॉन्च इसके लिए मैंने छः अंडे लिए हैं तो मैंने शुगर की क्वांटिटी और मैदे की जो क्वांटिटी है वो ली है वन हंड्रेड और इसके लिए मेक श्योर sure करें कि जो आप मेयरमेंट ले रहे हैं ये कप्स के हिसाब से नहीं होती अगर आपको एक्यूरेट मैयरमेंट चाहिए है तो आपको एक मैयरिंग स्केल लेना पड़ेगा और उसके ऊपर रख के आप अपने ग्राम्स को मैयर करेंगे तो छह अंडों के हिसाब से मैंने लिया है 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी शुगर एंड ऑल फ्लावर अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अंडों की एग योग और वाइट सेपरेट एग वाइट हमने सेपरेट कर लिए हैं और अब हम इसको करेंगे बीट आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं और इसको हम करेंगे फुल स्पीड पे बीट कि इसके अंदर फॉर्म बनना शुरू हो जाए उसमें पीक सारी शुरू हो जाए हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये कलर चेंज कर लेगा और एक फोम की शक्ल में आ जाएगा साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग वाइट्स को हम बीट करते जाएंगे और साथ साथ शुगर भी हम ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा करके इंटरवल्स में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और एग वाइट्स को बीट कर लेंगे इस प्रोसेस को हम इतनी देर करेंगे कि जो आपकी एग एगवाइट की जो शक्ल है वो चेंज हो जाए और इसकी फॉर्म जो है वो आपके पीक्स में आनी शुरू हो जाए और फॉर्मी हो जाए इसको मैंने इतना बीट किया कि इसकी जो कलर है वो वाइट हो गया और ये इतनी थिक एक फॉर्म में आ गई अब इस पॉइंट पे हम इसकी जो बीटिंग है वो रोक देंगे और हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे This is the required texture, आप स्पेचुला से उठाएं तो इट शुड बी लाइक इसको मैंने दोबारा से बीट किया इसमें one one और इसको बीट कर लिया अब इसका कलर जो है लाइट येलो सा हो गया है अब इसको हम ओवर बीट नहीं करेंगे बस तो इसकी मिक्सिंग करेंगे एग योग और जो व्हाइट हम अच्छे से मिक्स हो जाए वेल कम्बाइंड हो जाए तो हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे ना आई एम गोइंग टू एड वन टेबल स्पून हीप वनीला एसेंस और इसको भी बीट करेंगे और हमारा जो बीटिंग का प्रोसेस है वो अब फिनिश हो जाएगा दिस इज द फाइनल लुक आफ्टर बीटिंग अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ड्राई इंग्रेडिएंट यानी कि अपना अल्पस फ्लावर अब इसको हम बीटर से मिक्स नहीं करेंगे अब इसको हम स्पैचुला के जरिए हाथ से मिक्स करेंगे अब हम इसमें अपना जो फ्लावर है उसको सिफ्ट करके इसमें ऐड करेंगे स्लोली स्लोली और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको बहुत लाइट हैंड से आपने इसको मिक्स करना है और सारा जब मैदा मिक्स हो जाएगा तो आपका जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है मैंने अपना जो बेकिंग मोल्ड है उसको रेडी कर लिया पार्चमेंट पेपर के साथ लाइनिंग कर लिया अब जो मैंने बैटर जो था वो बनाया था उसमें उस उसमें हम इसको पोर कर देंगे एंड मेक श्योर कि आपका जो बैटर उसमें कोई भी मैदे की जो पार्टिकल्स हैं वो ना रहे इट शुड बी वेरी वेल कम्बाइंड बैटर को पोर करने के बाद उस स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर से लें इसको आपने टैप नहीं करना इसको आपने क्योंकि नॉर्मली हम क्या होता है कि जब हम लोग को केक बनाते हैं तो हम इसको टैप करते हैं टू टू थ्री टाइम्स बट स्पॉन्ज केक को हम नहीं करते टैप क्योंकि इसमें जो आपका एक फ्लफीनेस होती है वो फिर खत्म हो जाती है इसको आपने क्या करना है एक स्क्यूअर लेना है और इस तरह से इसके बीच में इस तरीके से मूव करना है इसमें जितने भी एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे अवन को हम प्री हीट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको हम नीचे की रॉड के साथ चला के बेक कर लेंगे मैंने इसको थर्टी मिनट्स का टाइम दिया आफ्टर थर्टी मिनट्स मैंने इसको चेक किया एक स्कीयर डाली और इसको चेक कर लिया अगर आपकी स्क्यूर क्लीन वापस बाहर आती है इट मीनस कि आपका केक बेक है अगर उसमें थोड़ा सा आपके जो उसके ग्रहण उसका लगे हुए हैं तो आप इसको थोड़ा सा टाइम और दें अपने अवन की सेटिंग्स आप अपने हिसाब से करें पॉँच को एक दिन पहले तैयार करें उसको फ्रिज में रखें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए फिर उसके अगले दिन आप इसकी फिलिंग तैयार करें इसके लिए मैंने ली फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है

कि ये सेट हो जाए। को मैंने कट कर लिया दूध के अंदर पाउडर शुगर डाला बड़ा डाल एडवांटेज ये है कि जब आप इसकी फिलिंग करेंगे तो आपकी इक्वल अमाउंट इसकी फिलिंग में आएगी कहीं से ज्यादा कहीं से कम नहीं होगी और दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिगनर्स पाइपिंग बैग से फिल करने के बाद आप इसको स्पैचुला की मदद से उसको इवन कर लें इसके साथ ही हम इसके ऊपर दूसरी अपनी स्पॉन्ज की लेयर लगाएंगे और उसको भी मॉइस्ट कर लेंगे अपे लेयर पे भी हम इस तरह से क्रीम को लगा लेंगे और इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे अब सबसे पहले हम इसका करेंगे क्रम्प कोट और इसके ऊपर हम मैंने क्रीम लगा के इसको सारे को अच्छे से जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको स्क्रैप आउट कर लूंगी और उसको सारे को अच्छे से कवर कर लूंगी जो क्रीम इसमें से उतरेगी उसको मैं अलग से बाउल में डालूंगी उसको बाकी क्रीम के अंदर मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें इसमें जो 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 है वो के जो है है वो वो के के क्रम्स क्रम्स होते होते हैं केक के जो होते हैं केक तो इसलिए इसको आप अलग बाउल में रखें इस तरीके से मैंने इसको इवन आउट कर लिया जहाँ पे मुझे क्रीम कम लगी उसको मैं स्पैचुला की मदद से और लगाया और उसको दोबारा से नीट कर लिया क्रम आउट करने के बाद आप इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए उसके बाद दोबारा क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छे से इवन जहां जहां जहाँ आपके क्रीम जो है, है उसमें थ्री टेबल स्पून क्रीम डाली है और इसको मैंने माइक्रोवेव किया है फॉर फिफ्टीन सेकेंड उसको पहले फिफ्टीन सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे अगर नहीं मेल्ट हुई तो आप उसको थोड़ा सा टाइम और देंगे इस तरह से मैंने इस तरह से चॉकलेट सॉस तैयार कर ली है अब मैंने इस चॉकलेट के अंदर मैं डिप करूंगी स्ट्रॉबेरीज को और इसको यूज करूंगी फॉर द डेकोरेशन सारी स्ट्रॉबेरीज जो है उनको मैं अच्छे से डिप कर लूंगी और उनको सेट होने के लिए रख दूंगी फ्रिज में जब ये सेट हो जाएंगी तो हम इसको यूज करेंगे अपनी डेकोरेशन के अंदर इस तरह से जो चॉकलेट बची उससे मैंने इसकी ड्रिपिंग कर ली आप अपने केक की डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम ली और उस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया जो स्ट्रॉबेरीज मैंने डिप की थी चॉकलेट के अंदर वो भी सेट हो गई है तो उसको भी इस तरह से केक के ऊपर रख लेंगे साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है ब्लूबेरीज और इसके साथ ही मैंने इसको स्प्रिंकल किया है पाउडर शुगर के साथ तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई केक आप अपने केक को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू चैनल एंड इफ मी इन कमेंट बॉक्स डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक थैंक यू फॉर वॉचिंग